हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आपको इस वाले टीवी के अंदर कोई सॉन्ग को डिलीट करना है या किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना है, यानी कि उसको डिलीट करना है। आपको नहीं पता है इस वाली स्मार्ट टीवी के अंदर किसी ऐप को कैसे डिलीट किया जाता है और किसी सॉन्ग को कैसे डिलीट किया जाता है, चाहे वो वीडियो सॉन्ग हो या ऐप हो या कोई एप्लीकेशन हो या MP3 सॉन्ग हो, इसमें आपको कैसे डिलीट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आप अगर पूरा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने इस वाली स्मार्ट टीवी के अंदर कोई भी सामान को डिलीट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, नीचे तीन ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, एक दूसरा में लिखेगा, एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी वाले आपको तीसरे ऑप्शन पे आ जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला एप्लीकेशन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन मिरर का ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें इसे अनइंस्टॉल करना है, तो इसके ऊपर हम टच कर देंगे। टच करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये अनइंस्टॉल मिलेगा, तो इसी वाले अनइंस्टॉल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि हमारी LED TV के अंदर से ये आसानी से डिलीट हो जाएगा। अभी दोस्तों ये आसानी से डिलीट हो गया है, यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये बीच में से आपका बाहर नहीं आया है, आपकी गैलरी में ही पड़ा हुआ है कोई भी ऐप, आपको यहाँ पे आपकी स्मार्ट LED TV के अंदर शो नहीं होता है, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं टच करके इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी LED TV के अंदर शो होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं चला जाता हूँ बैक। यहाँ पर आप कुछ क्लीन करना चाहते हैं, कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टच कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप टच करेंगे, दोस्तों आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है और क्लीन के ऊपर जाके आपको वेट करना है। यहाँ पे हम कुछ भी दोस्तों ऐप को यहाँ पे उड़ाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इसको दोस्तों यहाँ से हम पक्के तौर पर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम टच कर देंगे। फेसबुक को हमने यहाँ पे डिलीट करना है। टच करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक की यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये वाला ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैच का, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हमको फेसबुक को डिलीट करना है और यहाँ पे हमको इस वाले ऑप्शन को भी डिलीट करना है, दोनों पर हमने टिक मार्क कर लिया। यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर हमको क्लीन कैच के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अभी यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखा आ गया क्लियर कैच क्लियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये दोस्तों ऐप है डिलीट हो जाएगा, कुछ टाइम में लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे ये ऐप दोस्तों डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फेसबुक दिख रहा है। अभी दोस्तों कुछ टाइम के बाद ये दिखना बंद हो जाएगा और यहाँ पे ये थोड़ा टाइम अपडेट लेगा, अपडेट लेने के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और आप इसमें कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे वीडियो को नीचे कमेंट करना है, उसके लिए मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा।